गाइस बात ऐसी हुई कि अभी मैं ट्रेन में हूँ दोबारा से, और ट्रेन करवाई थी स्लीपर की, जो स्लीपर डब्बे होते हैं, लेकिन कन्वर्ट हो गई गाइस। मुझे 4 बजे मैसेज आया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इतना सफ़र किया नहीं है। जब किया था तो स्लीपर में ही किया था, एसी में नहीं किया था, तो एसी में कन्वर्ट हो गई थी मेरी। तो मुझे कन्फर्म करते हुए, मेरी 8:05 की ट्रेन थी, और काफ़ी ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि सेम शीट जो थी वही, जो शीट मेरी थी उसी शीट में दूसरे बंदे की बुकिंग हो रखी थी। पहले मैं पहुंच गया और बाद में वो पहुंच गया, और सीट नंबर और डब्बा नंबर तो सेम ही थे, तो उस वजह से बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई मुझे। मैंने डेट भी देखी, सेम डेट है, सेम टाइम है, और रूट भी सेम है, दिल्ली टू पठानकोट। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद मैंने भाई से पूछा किसी से, और ट्रेन वो अपलोड किया अपना, वेयर इज़ माई ट्रेन, उसमें PNR नंबर भरा, और उसमें तभी कन्फर्म हुआ कि मेरी जो सीट है वो कन्वर्ट हो गई है एसी में, और तभी मैं एसी में आ गया अभी। और फिर TT आया, TT से पूछा, उन्होंने बताया कि तेरी तो उसमें कन्वर्ट हो गई है, तू वहाँ पे जा। तब भी भाई जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ कि नहीं भाई, तू ठंडी एसी में जा और ठंडी हवा ले। तो तब तक मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन गाइस मैं तो खबर आ गया था, आप मत घबराइएगा, ऐसा होता है लाइफ में, तो मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। घबरा गया था, लेकिन मतलब बोल रहा था मैं अपने अंदर, ऑल इज़ वेल। गाइस ये है 5 रुपए की चाय, छोटा सा कप है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं फिर से एसी वाले बाथरूम में, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। नल है और शौक के लिए मशीन है, लेकिन मशीन चल नहीं रही, ये भी खराबी है। और गाइस ये मिरर है, और ज़्यादा लाइट की अच्छी व्यवस्था है। सबसे जो गंदी बात है गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गाइस मैं सुबह 5 बजे पहुँच गया था रेलवे स्टेशन में, और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, पठानकोट रेलवे स्टेशन में बैठा हूँ मैं। मुझे कॉलेज जाना है दीनानगर, आज लास्ट एग्ज़ाम है मेरा, तो उस वजह से मैं दिल्ली से ही आ गया। तो यहाँ पे 5 बजे उतर गया था मैं, और यहीं पे सो गया, बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो भाई अभी मुझे लेने आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं, उनका वेट करते हैं। तो गाइस ऐसा हाल रहता है कुछ रेलवे स्टेशन में, बहुत सारी दुनिया है अपने अपनी रोजी रोटी के लिए, गाइस अपने घरों से निकलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं भाई के घर पे आ गया हूँ, और उनके ऊपर वाली जो छत के ऊपर कमरे हैं, मैं वहीं पे थोड़ी देर सोऊंगा 10 बजे तक, और फिर मैं कॉलेज की तरफ चलूँगा। और गाइस बीच में मुझे दिक्कत ये आई कि रेलवे स्टेशन पे मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, हालांकि सब सुविधा होती है वहाँ से, हम किसी से पूछ भी सकते हैं, वहाँ पे सब होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, और जो कूली होते हैं ना गाइस, उन्हें हर एक प्लेटफॉर्म का पता होता है, वो भी होते हैं। तो मैंने उन्हीं से पूछा, फिर मैं जब मैं शुरू में गया, तो जब मैंने इंटरफेस देखा ना, तो इतना बड़ा स्टेशन था, तो वहाँ पे मतलब इतने लोग थे, इतना शोर था कि जो स्पीकर लगे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये गाड़ी वहाँ से जा रही है, या गाड़ी उस प्लेटफॉर्म से जा रही है, इतने नंबर की गाड़ी, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम ये हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था।
लेकिन पूछते 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 मैं प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। शुरू में तो मैं कहीं और ही प्लेटफॉर्म में चला गया, मतलब कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन पूछ के फिर मैं सही प्लेटफॉर्म में पहुंचा। सो गाइस, मैं अभी ये ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, सुबह ही हो चुकी है। वैसे तो मैं रात को एडिट करके अपलोड कर देता था और अब सही टाइम पे पब्लिश भी कर देता था, लेकिन अभी हालात ही ऐसे कुछ चल रहे हैं, सोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, खाना खाने का कोई पता नहीं है। तो जैसा भी रहेगा गाइस, मैं आने वाले टाइम में अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगा। अभी भी थोड़ी क्लिप्स हैं ही जो आपने देख ली, ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी। तो सफ़र में ऐसा ही होता है, आपको पता ही, आपने भी कर रखा होगा सफ़र। तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत आगे तक जाना है और आप तो भी साथ में लेके जाना है। तो भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।